यार, आज हम आपके सामने परमैन की दिवाली स्पेशल मूवी लेकर आ चुके हैं और इस मूवी को देखने में सच में आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि मूवी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इस मूवी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने वाली और इसे देखने में आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए इस मूवी का एंड तक पूरा वॉच करना और साथ ही साथ आप लोगों में से जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं करा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन आ रहा है उसे भी दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारी भविष्य में आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आप सबको मेरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार उसे जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ मैंने परमैन की न्यू सीरीज को लाने की पेटिशन की लिंक और परमैन की मूवीज को हिंदी डब में इंडिया में लाने की पेटिशन की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उन दोनों पेटिशन को जरूर से जरूर साइन करना, पहले साइन करी हुई थे दोबारा साइन करना, क्या जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते, सो लेट्स गो। तो ये कहानी तब की है जब सभी परमैन्स अपना सारा ध्यान अपनी परमैन ड्यूटी पर लगा रहे थे और इसी पल सुमिरे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वो अपनी परमैन की ड्यूटी अच्छे से निभाती थी और वो साथ ही साथ अपने एक्टिंग करियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अभी हाल ही में सुमिरे की एक मूवी बहुत ज़्यादा हिट गई थी, उस वजह से सुमिरे एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चाइल्ड स्टार बन चुकी है। उसे जगह जैसे से मूवी के ऑफर्स आते हैं लेकिन उस पर इतना टाइम नहीं होता कि वो उन्हें एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुमिरे शाम को अपने घर आती है, वो उधर अपनी मैनेजर को देखती है। उसकी मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी मैनेजर सुमिरे को बताती है कि सुमिरे को एक मूवी के लिए इंडिया से ऑफर आया है, भारत से। सुमिरे ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब की बार सुमिरे एक फॉरेन कंट्री में एक मूवी करने वाली है, और वो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर सुमिरे अपनी मैनेजर से सारी डिटेल ले लेती है और फिर उसके बाद सुमिरे की मैनेजर जाते जाते सुमिरे को इंडिया के कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स देकर चली जाती है। उधर सुमिरे अपनी रोबोट को ऑन करती है और उसके साथ इंडिया के बारे में बात करने लग जाती है और वो तभी इंडिया के पिक्चर्स देखने लग जाती है। उन पिक्चर्स में इंडिया के बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और एक दो पिक्चर्स होती है गोवा की। तो अब पाको अपनी रोबोट से बोलती है, यार अब इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं तो अकेले जाना अच्छा नहीं होएगा ना। सुमिरे बोलती है, पाको मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। पाको शर्मा जाती है और सुमिरे बोलती है, जाओ जाओ जल्दी से परमैन के पास जाओ और उसे बुला लाओ। फिर पाको उधर से उड़कर परमैन के पास चली जाती है। इधर सीन चेंज होता है और हमें परमैन का सीन दिखाया जाता है। परमैन इधर अपने रोबोट से लड़ाई कर रहा होता है, दोनों एकदम फालतू के टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं। परमैन का मूड ऑलरेडी खराब होता है। पाको परमैन को बहस से कॉल कर एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। परमैन सोचता है, अब ये पाको भी मुझे परेशान करेगी, इसका तो रोज का है, इसके मुझे परेशान करे बिना इसका तो दिन पूरा नहीं होता ना, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर परमैन उधर जाता है और जाते ही पाको पे भड़कने लग जाता है। पाको बोलती है, परमैन मैंने तो तुम्हें इतनी अच्छी चीज के लिए बुलाया था और तुम मुझे आते ही डांट रहे हो। पाको इमोशनल हो जाती है। परमैन बोलता है, अच्छा क्या है वो बात, जरूर तुम्हें कोई अपनी नई ड्रेस दिखानी होगी। पाको उसे परमैन को इंडिया की पिक्चर्स दिखाने लग जाती है। परमैन को इंडिया की पिक्चर्स में वैसे तो इतना कुछ खास लगता नहीं, लेकिन जैसे ही परमैन गोवा के पिक्चर्स देखता है और जरा उस पिक्चर्स में कुछ लड़कियां होती है, भाई परमैन एकदम, मतलब क्या ही बोले, परमैन भाई देखकर फिसल जाता है और परमैन रिक्वेस्ट करने लग जाता है, पाको प्लीज़ मुझे भी इंडिया ले चलो ना अपने साथ, प्लीज़ प्लीज़। तो पाको परमैन को सारा सीन बता देती है कि इंडिया सुमिरे जा रही है, इस वजह से जा रही है और मैं तुम्हें इंडिया ले जाने के लिए ही बुलाने आई थी। देन इसके बाद परमैन अपनी आंखें बंद कर ऊपर की तरफ देखकर उधर गोवा में अपना सीन मिचिको के साथ सोचने लग जाता है और अजीब से फेस एक्सप्रेशंस देने लग जाता है। पाको समझ जाती है ये जरूर कुछ उल्टा सोच रहा है और मुंह फुला लेती है। तब परमैन एकदम से सही होता है और बोलता है, पाको वैसे हमें इस चीज़ के लिए बर्डमैन परमिशन देंगे। पाको बोलती है, बात तो सही है, हमें बर्डमैन से परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो ये सब बर्डमैन को कॉल करके बुलाते हैं। बर्डमैन जब आते हैं, बर्डमैन का भी परमैन की तरह मूड खराब होता है और आते ही बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने मुझे हमेशा की तरह फालतू में बुलाया होएगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। तब पाको बोलती है, बर्डमैन हमने आपको यहाँ पर फालतू में नहीं बुलाया है, हमने आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से बुलाया है। बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या है तुम्हारा वो काम। बर्डमैन, आपको पता है कि सुमीरे इंडिया जा रही है। सर तो सुमीरे इंडिया जा रही है तो इसमें मैं क्या करूँ, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम है, तुम मुझे हमेशा फालतू के कामों के लिए क्यों बुलाते रहते हो। अरे बर्डमैन पूरी बात तो सुनो, सुमीरे इंडिया जा रही, तो सुमीरे के साथ इंडिया हम दोनों भी जा रहे हैं, आफ्टर ऑल सुमीरे इतनी बड़ी सुपरस्टार है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होएगी ना, तो हम दोनों उसके साथ उसके दोस्तों की तरह जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन सुमीरे की प्रोटेक्शन के लिए तुम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है ना, या फिर पाको तुम्हें ही जाना चाहिए, परमैन क्यों जा रहा है। तब पर पाको देखती है कि परमैन का ध्यान उस टाइम उस जगह नहीं होता, तो पाको बर्डमैन की बहुत ही ज़्यादा गुस्से का एक्सप्रेशन देती है और गुस्से में बोलती है, परमैन भी चलेगा। तब पर बर्डमैन थोड़ा डर जाते हैं और तभी पाको आराम से प्यार से बोलती है, बर्डमैन वैसे मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत होगी ना। परमैन ये बात अच्छी तरह सुन लेता है और तब परमैन धीरे से बोलता है, मैं पाको के साथ जा रहा हूँ, प्रोटेक्शन की जरूरत तो मुझे है। तब पाको ये बात सुन लेती है और परमैन से बोलती है, परमैन अभी तुमने क्या बोला। परमैन बोलता है, अरे नहीं 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 मैंने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे कान बज रहे हैं। तब बर्डमैन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उन्हें परमिशन दे देते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों चले जाओ इंडिया, कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर पायन और बूबी से कह देना अपनी ड्यूटी सही से निभाएं, और हाँ मुझे दोबारा से ऐसे फालतू के कामों के लिए बुलाना मत, वरना छोड़ूंगा नहीं। और फिर तब बर्डमैन उधर से चले जाते हैं। पाको बोलती है, बर्डमैन भी कितने अजीब हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी डांटते हैं, और बहुत ज़्यादा अजीब है बर्डमैन। तो अब परमैन की इंडिया की ट्रिप 100% कन्फर्म हो चुकी थी, इस वजह से परमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और परमैन अपने मन ही मन में गोवा के सपने ले रहा होता है। लेकिन पाको उसके सारे सपनों पे पानी फेर देती है और उसे डांटने लग जाती है, तुम ये क्या बच्चों की तरह बार बार सोचने लग जाते हो, परमैन मतलब तुम कर क्या रहे हो। तब परमैन उधर से उड़कर अपने घर चला जाता है और पाको से बोलता है, मैं अपनी पैकिंग करने जा रहा हूँ। पाको बोलते हैं, हाँ मैं भी अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ, और मिस सुमीरे को भी तो बताना है कि हमारे साथ ये पागल परमैन भी चलने वाला है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें मित्सो का घर दिखाया जाता है। उधर मित्सो अपने रोबोट को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है, उसे ये कहकर चिढ़ा रहा होता है, मैं तो इंडिया जा रहा हूँ और इंडिया में इस टाइम तो दिवाली नाम का एक फेस्टिवल होता है, वो चल रहा है, तो यार उससे तो हमारा मज़ा एकदम डबल हो जाएगा, और तुम यहाँ पर बैठ कर मेरा होमवर्क करना। और ये बातें सुनकर परमैन का रोबोट बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। और तभी दोबारा सीन चेंज होता है, उधर पाको और सुमीरे आपस में बात कर रहे होते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी पाको किसी काम से परमैन को बुलाती है। उधर परमैन और पाको एक ग्राउंड के ऊपर मिलते हैं, उधर वो वैसे अपनी जब मेन बात करने वाले होते हैं तभी वो देखते हैं उधर ग्राउंड में कबाव, साबू, पायन, बूबी, मिचिको कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी परमैन बोलता है, पाको प्लीज़ मेरी एक बात मान लो। पाको बोलती है, बताओ परमैन क्या हुआ। परमैन बोलता है, चलो ना इन सब को भी चढ़ाते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मुझे इन कबाव और साबू को चढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पाको बोलती है, परमैन तुम कभी नहीं सुधरोगे, चलो अच्छा ठीक है। फिर ये सब नीचे जाते हैं और उन सबको बड़ी हंस के और उन्हें चिढ़ाते हुए बताने लग जाते हैं कि हम सब तो इंडिया जा रहे हैं, उधर इंडिया में बहुत सारे मज़े करेंगे। और तभी परमैन पाको के हाथ से वो पिक्चर्स छीनता है और उन्हें इंडिया की पिक्चर्स दिखा देता है। इंडिया की पिक्चर्स देखने के बाद सब बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। कबाव और साबुत अपनी आँखें बंद कर हाथ फोल्ड कर ऊपर की तरफ देखते अपने बारे में सोच रहे होते हैं, उधर गोवा के बीच के सीन के बारे में, और वो सब उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं। तभी परमैन मिचिको को देख रहा होता है, मिचिको परमैन को देख रही होती है। ये देखकर पाको समझ जाती है कि इन लोगों की इंटेंशन ठीक नहीं है। पाको परमैन के पाँव पे एकदम से लात मारती है और परमैन एकदम से होश में आ जाता है। तभी मिचिको उधर बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई होती है। तभी उधर पायन और बूबी भी आ जाते हैं, वो भी देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या बात हो रही है। फिर परमैन पाको से धीरे से कान में बोलते हैं, पाको इन्हें भी लपेटे में ले लेते हैं, इन्हें भी मस्त चढ़ाते हैं। फिर ये दोनों उधर एक्टिंग मारने लग जाते हैं और पायन और बूबी को भी बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं और वो दोनों चिढ़ते भी हैं। फिर ये दोनों हंसने लग जाते हैं।
फिर उधर से उड़ के चले जाते हैं। इधर पायन, बूबी और मिची को भी चली जाती है। तभी कुछ लगभग 15-20 मिनट बाद हम इस सीन में देखते हैं कि गवा और साबू उधर अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। और तभी जब तक सब चले जाते हैं तो एकदम से आँख खोल बोलते हैं, क्या हम भी चल सकते हैं? इतने सब होते ही नहीं और वो दोनों अपने ही ऊपर हंसने लग जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। अब यहाँ पर परमेन, पाको, सुमिरे तीनों अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सब इंडिया जा रहे होते हैं। उन तीनों को उधर जाके अलग अलग चीज़ें का करने का मन होता है। सुमिरे को एक तरफ अपनी एक्टिंग की लग रही थी, पाको के मन में तो ये चल रहा था मतलब परमेन के साथ घूमूंगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और परमेन को तो गोवा का सीन याद आ रहा था, उस सीन को तो परमेन अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब इसी सब में परमेन और पाको रात में लगभग 12-1 बजे तक एक दूसरे के बैच पे इंडिया के बारे में बातें करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को उन्हें जो भी पता था बताने लग जाते हैं और बहुत मज़े से बातें करते हैं। इसी वजह से अगले दिन परमेन और पाको दोनों लेट हो जाते हैं। सुमिरे को तो उसकी मैनेजर मतलब पाको की रोबोट को उसकी मैनेजर ले जाती है, लेकिन परमेन और पाको लेट हो जाते हैं। देन वो दोनों जल्दी से उड़कर उधर जाते हैं, लेकिन उधर जैसे ही वो सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं वो सब देखते हैं कि इधर सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सबका चेहरा लटका हुआ होता है, सब बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। उनके चेहरे से देखने पे उनके चेहरे पर एक गम दिख रहा था, उनके चेहरे से साफ पता लग रहा था ये सब किसी गहरे शोक में है। तब परमेन और पाको धीरे से सुमिरे से पूछते हैं कि तुम सब इतने उदास क्यों हो? सुमिरे बोलती है, परमेन, पाको, जापान से इंडिया जाने वाला जो रूट था, जो सबसे शॉर्ट रूट था प्लेन से, उसके बीच में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है और उस तूफान में प्लेन का जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया जाके एक्ट करना, और अगर मैं आज ही टाइम पर इंडिया नहीं पहुंची तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जाएगी। मुझे एक बहुत बड़ी मूवी का ऑफर आया है, इसलिए मुझे उधर जाना है, लेकिन मैं अब नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ से इंडिया जाने वाला जो दूसरा रूट है वो रूट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं उससे टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगी। और अभी हमारे पास उस प्लेन की ना टिकट है ना वीज़ा है ना कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से एकदम अलग सिस्टम हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई। तब ये सारी बातें सुनकर पाको बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि असलत में पाको ही तो सुमिरे है, अपॉर्चुनिटी पाको के हाथ से चली गई। और इस जगह पाको की रोबोट अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी आँख से आंसू आने लग जाते हैं। सब ये देखकर और ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तभी परमेन पाको से बोलता है, पाको, तुम्हें मेरी बात बेशक थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन क्या पता शायद मान जाओ, हम क्या हम दोनों सुमिरे को उड़ाकर इंडिया ले जाएं? हम दोनों परमेन हैं, हमारे पास उड़ने की पावर है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, हम सुमिरे को उड़ाकर इंडिया ले जा सकते हैं और सुमिरे के करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। तुम बताओ पाको क्या कहती हो, क्योंकि मुझे तो मिस सुमिरे की आंखों में इस तरह से आंसू देखे नहीं जा रहे। पाको बोलती है, हाँ परमेन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया होएगा, ऐसा करते कि सुमिरे का एक हाथ तुम पकड़ना और एक हाथ मैं पकड़ूंगी, उस तरह से हम इसे एक परमेन की तरह उड़ा कर ले जाएंगे और हम पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। सुमिरे मान जाती है, सुमिरे की मैनेजर भी परमिशन दे देती है, बोलती है जैसे ही तूफान थम जाएगा हम उधर जल्दी से आ जाएंगे पूरे क्रू को लेकर, लेकिन इतने तुम सब जाओ। तो परमेन, पाको उधर मिस सुमिरे को उड़ा कर ले जाने लगते हैं। उधर रास्ते में एकदम से पाको परमेन से बोलती है, परमेन वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करना। परमेन बोलता है, हाँ बताओ। पाको बोलती है, तुम्हें पता है वैसे भी प्लेन के ऊपर बैठ के इंडिया आना था। परमेन बोलता है, क्यों, मेरे पास तुम्हारा पासवर्ड वगैरह थोड़ी था, तुम तो वैसे भी परमेन हो, परमेन का कोई पासवर्ड ही नहीं है, तुम वैसे इंडिया आ ही नहीं सकते थे, तुम्हें मैं वैसे भी प्लेन के ऊपर ही बैठाती और अब देखो क्या हो गया। परमेन ये बात सुनकर चिढ़ जाता है, सोचता है क्या मेरी इतनी वैल्यू, मैं प्लेन के ऊपर बैठता। फिर सब हंसने लग जाते हैं। उसके बाद तभी ये सब उड़ने लग जाते हैं। इधर जापान से इंडिया का इनका सफ़र शुरू हो जाता है। ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ रहे थे, इनके मन में एक ही चाह थी कि इन्हें मिस सुमिरे को टाइम पर इंडिया पहुंचाना है। लेकिन यहाँ पर आज पाको की रोबोट बहुत ज़्यादा खुश थी, वो कह रही थी मैं कितने टाइम बाद ऐसे उड़ रही हूँ, क्योंकि उसे कभी तो मुश्किल से पाको का परमिशन सेट मिलता था उड़ने के लिए।
वो पाको की रोबोट परमैन का हाथ बहुत ज्यादा कस के पकड़ लेती है। पाको ये चीज देखकर चिढ़ने लग जाती है, मेरी रोबोट परमैन की इतनी ज्यादा क्लोज क्यों हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और फिर इसी गुस्से में एकदम से पाको गलती से अपनी रोबोट का हाथ छोड़ देती है और परमैन पे भी सुमीरे संभलती नहीं है और नीचे ओशन में सुमीरे गिर जाती है। परमैन और पाको शॉक में होते हैं, ये क्या हुआ, मिस सुमीरे पानी में गिर गई। परमैन गुस्से में पाको से बोलता है, पागल लड़की है तुमने क्या करा। पाको डरी डरी मित्सो से बोलती, मुझे तो बाद में बताना, पहले सुमीरे को तो बचाओ। फिर परमैन अपनी पूरी ताकत लगाता है और नीचे की तरफ उड़ने लग जाता है। यहाँ पर मिस सुमीरे पानी में डूब जाती है। परमैन को लगता है मिस सुमीरे अब बचेंगी नहीं, लेकिन परमैन तब भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पानी में घुसता है और पानी में मिस सुमीरे को ढूंढने लग जाता है। उधर एक जगह मिस सुमीरे पानी में गिरी हुई होती हैं और गहराई में जा रही होती हैं। परमैन मिस सुमीरे को देख लेता है और उन्हें पकड़ लेता है और अपना बैच उनके मुंह में डाल देता है और फिर जल्दी से उड़कर ऊपर पानी से बाहर आ जाता है। पाको इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब की बार पता नहीं पाको को इतना डर लग रहा होता है कि उसने तो पानी में जाने की हिम्मत नहीं करी होती। अब यहाँ पर पाको की रोबोट जो उस टाइम सुमीरे बनी हुई होती है, वो परमैन को बहुत जोर से हक करके और उसके गले पे एक किस करके बोलती है, शुक्रिया परमैन, तुमने आज मेरी जान बचा ली। ये पाको को पता नहीं आज क्या हो गया है, अजीब बिहेवियर कर रही है। परमैन बोलता है, अरे छोड़ो ये तो ऐसी है। फिर पाको की रोबोट और चांस मारती है और बोलती है, परमैन तुम मुझे ऐसा करो अपनी पीठ पे बैठा लो, ये पाको तो पता नहीं क्या मुझे फिर से घेर देगी और मैं बचूँ ना बचूँ। फिर परमैन बोलता है, हाँ ज़्यादा रास्ता तो बचा नहीं है, तुम आ जाओ तुम मेरी पीठ पे ही बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूँगा। ये पाको तुम अब ऐसे करो, पीछे से पकड़ लो और स्पीड तेज करने में मदद करो। फिर पाको मुँह फुला लेते हैं लेकिन उसे मानना पड़ता है। फिर उधर ये थोड़ी आगे जाते हैं अपने इंडिया के सफ़र पर और आगे वो तूफान आता है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे उड़ कर जा रहे थे। उस तूफान में परमैन पाको और सुमीरे एंटर करते हैं। उस तूफान में बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं और थोड़ी बहुत बिजली कड़कने की आवाज आ रही होती है। इस आवाज से मिस सुमीरे बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। बोलते हैं, परमैन मुझे इस आवाज से अलग लग रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर से गिर ना जाऊं, तुम मुझे वैसे पकड़ लो ना कि मैं सेफ रहूं। फिर परमैन जिस तरह से आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है उस तरह से मिस सुमीरे को पकड़ लेता है और उड़ाकर ले जाने लगता है। फिर उस वजह से इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती और ये तूफान से बाहर आ जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद और ये लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया में जाते ही सब इन्हें देखकर दंग रह जाते हैं, ये क्या है, ये लोग ऐसे उड़ कैसे रहे हैं, ये इतने बड़े तूफान में से आए यार, ये तो बड़े खतरनाक है। और तभी ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह इन्हें जाना होता है शूटिंग के लिए। उधर सब इन्हें देखकर शॉक होते हैं, इस तूफान में ये लोग आ कैसे गए। उन्हें उस टाइम ये पता नहीं होता कि ये परमैन पाको की मदद से आए हैं और ये एक रियल सुपर हीरोज है। उन्हें लग रहा था इन्होंने ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। देन अब इधर थोड़ी बातचीत हो रही होती है। इन बातचीतों को सुनकर परमैन को पता लगता है इधर सुमीरे ने सारे गलत सीन करने से मना कर दिया है, कि जैसे किस हुआ या और कोई भी ऐसा सीन करने से सुमीरे ने मना कर दिया। उसने बोला मैं ज़्यादा हक करूँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो परमैन ये चीज़ें सोच कर थोड़ा सोच रहा होता है, सुमीरे कितनी अच्छी है, मतलब मूवी में भी ऐसे सीन नहीं करती। तो तभी और उधर एक लड़का होता है जो इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहा होता है। वो लड़का कोई इतना बड़ा एक्टर नहीं होता, लेकिन उसके पापा जो होते हैं वो फिल्मिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े सितारे होते हैं। उनकी वजह से उस लड़के को इस मूवी में रोल मिल गया और लीड रोल और मिल गया है। वो लड़का जो सुमीरे को देखता है तो भाई लड़का एकदम मतलब थोड़ा फिसल सा जाता है, इतनी सुंदर लड़की के साथ उसने आज तक कभी मूवी में काम नहीं करा था। तो लेकिन जब उसे पता चलता है कि सुमीरे ने सारे सीन करने से मना कर दिया, लड़का तो पूरा चिढ़ सा जाता है। और फिर तभी अचानक से सुमीरे के ऊपर कुछ चीज़ें गिरने लग जाती हैं। परमैन उन्हें गिरते हुए देख लेता है और जल्दी से जाकर उड़कर सुमीरे को बचा लेता है। सुमीरे इधर उन चीज़ों को देखकर सोचती है, परमैन मित्सो ने मुझे दिन में दूसरी बार बताया है, मित्सो कितना अच्छा है। और वहीं सबके सामने परमैन को गाल पे किस कर लेती है। ये सीन देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, ये एक ऐसी लड़की ने जो मूवी में तक ऐसे सीन नहीं करती।
उसने ऐसी हल्की सी वजह पे एक लड़के को ऐसे किस कर लिया, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर तभी डायरेक्टर के कहने पे सुमित को मेकअप के लिए मेकअप रूम में भेज देते हैं। उधर मेकअप करने वाली एक लेडी होती है, वो लेडी सुमिरे से फ्रेंकली होकर पूछती है, सुमिरे सच होता ना तुम्हें परवीन पसंद है ना। अब वो सामने वाली लेडी होती है और उसका बोलने का ढंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इस वजह से सुमिरे उसके सामने फ्रेंकली होकर बोल देती है, हाँ मुझे परवीन बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर थोड़ी देर बाद सुमिरे का मेकअप कंप्लीट करने के बाद वो जो लेडी होती है वो ये सारी बात डायरेक्टर को बता देती है। डायरेक्टर ये बात सुनकर सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इस मूवी में परमैन को ही रोल करने के लिए बोल देते हैं, ये सीन भी कर लेगी और हमारा बहुत सारा पैसा भी बचेगा हर एक स्पेशल इफेक्ट का और बहुत सारे सीन्स का, क्योंकि परमैन एक रियल सुपर हीरो है। लेकिन फिर डायरेक्टर सोचते हैं, हम उस लड़के को भी ऐसी ही मूवी से नहीं निकाल सकते, वो लड़का अनिकेत बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स के बाद पता लगी तो हमारे ऊपर खतरा आ सकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अभी इसे सेकंड लीड रोल दे देते हैं, कोई ऑफेंड भी नहीं होगा और हमारा भी काम हो जाएगा। इस बात पे थोड़ी बहस होती है लेकिन सब एग्री कर जाते हैं और फिर परमैन को भी इस मूवी में रोल मिल जाता है और सुमिर भी परमैन के साथ हर एक सीन करने के लिए एग्री कर देती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तभी हमें पता चलता है ये सारी बातें मीडिया में हवा की तरह फैल जाती हैं, इतनी फैलती हैं कि बातें फैलती फैलती सुमिर के मॉम डैड तक चली जाती हैं। ये सब जानने के बाद सुमिरे के मॉम डैड की बहुत ही ज़्यादा ऑड रिएक्शन रहती है, उन दोनों की रिएक्शन एकदम देखने लायक होती है। तभी सुमिरे के डैड बोलते हैं, ये टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों ये था हमारा परमैन की दिवाली स्पेशल स्टोरी का एपिसोड 1। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको ये एपिसोड पसंद नहीं आया तो इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आपके एपिसोड में कौन सी चीज़ बुरी लगी, जिससे हम अपनी भविष्य में आने वाली सारी वीडियो में दोबारा से ऐसी गलती ना करें, तो प्लीज़ इसलिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल बोलना। थैंक फॉर वॉचिंग, जय भारत।